कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के वार्षिक समारोह के अवसर पर संस्था में अध्ययनरत मेधावी छात्र और छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं टैबलेट का वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे एवं विशिष्ट अतिथि गोरखपुर महापौर सीताराम जायसवाल ओम जालान की भव्य उपस्थिति में किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ वैदिक मंगलाचरण के साथ हुआ। संस्था के निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत करके स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता रितेश पांडे ने कहा, यह संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप के माध्यम से छात्र छात्राओं को बढ़ावा दिया है। मैं इस संस्था को साधुवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। इस कार्य को भविष्य और बड़े रूप में उभर कर केंद्र तक कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन का नाम इसी तरह से बढ़ाता रहे, मेरी यही शुभकामना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेसारी लाल यादव ने कहा कि कंप्यूटर शिक्षा निःशुल्क देना बहुत नेक काम है। कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए संस्था द्वारा किए गए प्रयास से गांव गरीब की बेटी बेटा को इसका लाभ मिल रहा है। आज का यह छात्रवृत्ति एवं टैबलेट वितरण का भव्य कार्यक्रम इसका प्रमाण है। कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास हो रहा है वह तारीफ एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। हम कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन के उज्जवल भविष्य की कामना करतानी और यह निरंतर आगे बढ़े यह हमारी कामना और ढेर सारी शुभकामना और भगवान से प्रार्थना बा और भोलेनाथ से कि ये संस्था बहुत ही आगे बढ़े। इस अवसर पर संस्था के निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता ने कहा कि संस्था द्वारा संचालित इस योजना को लाभ आगे भी मेधावी छात्र और छात्राओं को दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन शुभम मिश्रा ने तथा आए हुए अतिथियों का आभार कृष्णा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर से वीरेंद्र सिंह, नगर निगम के उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, प्राणी उद्यान गोरखपुर के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, ओम जालान पार्षद चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर दिलीप गुप्ता, रत्नेश गुप्ता, रजत, शिवम जायसवाल, आशीष पासवान, अश्वनी, विशाल गुप्ता, विजय कुमार, ब्रिजेश कुमार, संजय शाहनी, अंशु गुप्ता, डॉक्टर धनंजय कुशवाहा, दिनेश गुप्ता, मुकेश गुप्ता, सुजीत कुमार, आनंद गुप्ता, डॉक्टर अश्वनी चौरसिया, दिनेश गुप्ता, विनय जायसवाल, अनिल सिंह, जियान पराग डेरी, चमनलाल गुप्ता, शशांक वर्मा, मंजीत विश्वकर्मा, अनिल भोला सहित संस्था के कर्मचारी, अध्ययनरत छात्र छात्राएं और उनके परिजन उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कैवेलियर्स एजुकेशन फाउंडेशन संस्था के निदेशक डॉक्टर खुशबू गुप्ता एवं भोजपुरी फिल्म अभिनेता रितेश पांडे और मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव ने कहा, हमारे अतिथि का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में जो चलकर आए हैं जैसे कार्यक्रम के आयोजित है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव जी हम लोग के बीच आ चुके हैं। कुछ ही क्षण में वो मंच पे उपस्थित होंगे और माँ सरस्वती पुष्प अर्पित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वागत करिए। हम श्री कृष्णा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह मतलब अपब्रिंगिंग पालन पोषण को संस्कार, तो वो पूरे संसार को पता चलता है कि आप कहीं भी, आप जो है कैवेलियर के थ्रू मैं
मैं चाहूंगी कि अब मैं एक एक करके नाम उनका यहाँ पर बुलाऊंगी और वो आए और खेसारी लाल जी से मैं सामने से तो मैं हट जाओ कृष्णा गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि इनको स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर स्वागत करें। हम लोग को भी जी, हमें कभी पढ़ाई लिखाई नहीं मिला क्योंकि हमारी परवरिश ऐसी जगह पे हुई, हमारे पास गरीबी थी, ऐसी बहन हमारे यहाँ नहीं थी, इसलिए शायद ऐसा पुरस्कार हम नहीं ले पाए। आप लोगों के पास अवसर है, आज मैं ज्ञान के मंदिर में आया हूँ जबकि मैंने ज्ञान कभी ली नहीं और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया ऐसी जगह के लिए जहाँ से दूरों दूर तक का मेरा कोई रिश्ता नहीं था। आज जिंदगी में मैंने जो कुछ भी पाया, मानिए हमारे प्रवीण शास्त्री जी जो कि मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं इनका कभी बात काटता नहीं और मैं शूटिंग यहाँ 8वीं 9वीं फिल्म कर रहा हूँ गोरखपुर में, तो गोरखपुर से मेरा जीवन शुरू हुआ है। मेरी पहली फिल्म साजन चले ससुराल यूनाइटेड हॉल से शुरू की थी मैंने और आज 100 फिल्में कर चुका हूँ। तो गोरखपुर से एक ऐसा रिश्ता बना है कि मेरी जीवन की शुरुआत गोरखपुर से हीरो बनने वाली हुई थी और मैंने कभी ज्ञान की पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया क्योंकि पैसे नहीं थे और मैं पहले भी बोला कि खुशबू जैसी बहन नहीं थी हमारे यहाँ ताकि हमें गोद लेकर और हमें शिक्षा दे सके। तो मैं चाहता हूँ कि खुशबू बहन के लिए एक ऐसा जोरदार ताली बजाइए, खास ऐसी बहन होती तो मुझे भी ₹50,000 और ऐसे ऐसे मेडल लेने का अवसर प्राप्त होता, लेकिन आप लोगों के पास वो अवसर है और ज्ञान ऐसी चीज है कि जीवन में यही है जो आपका कोई छीन नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, अपने माँ बाप से प्यार करिए और शिक्षा कभी आपको गलत रास्ते पे लेके नहीं जाता। हमें शिक्षा मिली नहीं बट हम शिक्षित लोगों के साथ रह रहे हैं कि ये अनुभव तो कर ही लिए कि अगर आप शिक्षित नहीं है तो कोई जरूरी नहीं कि आपका जीवन नहीं चल सकता, लेकिन शिक्षा रहे तो शायद आप अपने जीवन को संभाल के चला सकते हो। नूनी रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, ठीक है। तो जिंदगी में गाना में अपनों के साथ नून नमक रोटी भी मिलता है ना तो जिंदगी बड़ी अच्छी कटती है, लेकिन किसी गैरों के साथ अगर मेवा भी मिलता है तो शायद वो बड़ा दूर का रिश्ता लगता है। तो थैंक यू सो मच, हम अपन शूटिंग छोड़ के आई बनी क्योंकि नुकसान होता। तो बाकी रितेश बाबा वाली रोल अभी नुहो के कुछ बोल से स्वागत करिए जो हमारे तीनों विजेता हैं। लेके जाते थे सर, हमें चॉकलेट दिया करते थे, तो काफी महत्व है इस दिन का। तो आप लोग खूब पढ़िए और इस देश का नाम रोशन करिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने भारतवर्ष का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा अभियान
शुरू किया था जिसका नाम था हर घर तिरंगा। 15 अगस्त के मौके पे मुझे लगा कि सारे घरों में तिरंगा ऊपर फहरा रहा है। और शिक्षा, शिक्षा किसी भी देश की नींव होती है। अगर हमारा नींव मजबूत रहेगा तो हम बहुत ऊपर जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल या शायद परसों भारत ने पहला अपना स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत लॉन्च किया है। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और सिर्फ ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के कारण संभव हो पाया। और वैज्ञानिक वही बनते हैं जो मन लगा के पढ़ाई करते हैं। मेरा नाम सर खुशबू गुप्ता है, केवरलियर एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों का हमें सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। सर हमारी एक संस्था है केवरलियर एजुकेशन फाउंडेशन, हम लोगों ने उसके बीच में एक शिक्षा स्कॉलरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है। शिक्षा स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जो भी कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। 9 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र का बच्चा, 3 एज ग्रुप में हम लोग इस प्रोग्राम को करते हैं और आप इसको कर सकते हैं सर। मतलब कोई भी बच्चा इसको अप्लाई कर सकता है। हमारा फर्स्ट टॉपर 1 लाख रुपीज़ का अवॉर्डेड है, सेकंड टॉपर 50,000 का, थर्ड टॉपर हमारा 25,000 का है। साथ में हम लोग 100 बच्चों को सेलेक्ट करते हैं टैबलेट के लिए। उन पूरे बच्चों के बजाय हम लोगों ने 33 बच्चों को यहाँ पे टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन किया भीड़ कम करने के लिए। बाकी सर्टिफिकेट भी हम लोगों ने दिए। और हमारे यहाँ 300 बच्चों को फ्री कंप्यूटर क्लासेस, 1 रुपया फीस नहीं लगेगा सर। उनको 40 कोर्सेज अवेलेबल हैं और हमारे बेस्ट फैकल्टी द्वारा उनको पढ़ाया जाता है। और हमारी कोशिश है सर पूरे शहर में एक अच्छा काम करने की। और हम लोग अभी 7 जिले में कोशिश कर रहे हैं कि वर्क कर रहे हैं और आगे टारगेट है हमारा कि कम से कम 75 जिले हमारे फ्री कंप्यूटर क्लासेस लोगों को हम लोग दे सकें। थैंक यू सो मच सर। आज किस तरह का ये कार्यक्रम किया गया आपको? सर आज हमारे बीच में खेसारी लाल जी थे, रितेश पांडे जी थे, उन लोगों का हमें कीमती समय प्राप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हीं के हाथों ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहला बच्चा हमारा श्रेय, ऊपर से अगर हम देखें तो हर्ष शाहनी था, सेकेंड नंबर पर प्रिंस है, थर्ड नंबर पर श्रेया है जो कि बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, उनको ये अवार्ड मिला, मुझे बहुत खुशी है। साथ में टैबलेट पाने वाले बहुत बच्चे थे। एक बच्चा तो ऐसा था जिसके माँ बाप दोनों नहीं है, कोविड में एक्सपायर हो गए थे, वो उस बच्चे ने यहाँ बहुत स्ट्रगल करके, उसके छोटे मतलब जो भाई बहन है उसी पे डिपेंडेंट है, वो इतना खुश था। आपको मेरी बाइट के साथ साथ उसकी भी बाइट लेनी चाहिए। और थैंक यू सो मच सर। हाँ आज टीचर्स डे है, मैं मेरा जो फर्स्ट टॉपर है वो विद्या मंदिर का स्टूडेंट है, मुझे ये भी बड़ी खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूँगा मैं खुद ही विद्या मंदिर के स्टूडेंट हूँ और विद्या मंदिर के टीचर्स भी यहाँ पे आए थे, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। स्पेशली सारा जो भी है गुरु के ज्ञान की वजह से ही मैं जो कर रही हूँ आज उन्हीं की वजह से कर रही हूँ। थैंक यू सर। सम्मानित किया गया क्या कहेंगे? सम्मानित बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी के द्वारा किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी कोई संस्था जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें सम्मानित कर रही है, ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये संस्था नित्य प्रतिदिन ऐसा ही कार्य करते रहे और बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। हाँ टीचर्स डे, देखिए शिक्षक जो जीवन में हमें कुछ भी सिखाए वो हमारे लिए शिक्षक है। वैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के मौके पे हम मनाते हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। ये तो मेरा सौभाग्य है कि जिस ज्ञान के मंदिर में मैं बहुत कम गया हूँ क्योंकि वो समस्या नहीं थी। और मैं इस पूरी संस्था को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे संस्था अगर हर जिला में हर गाँव में बन जाए तो शायद कोई बच्चा बिना पढ़े और अपने आप को बड़ा कर सकता है।
और इस संस्था को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि ऐसे पहल हर आदमी को करना चाहिए। और खुशबू जी को दिल से धन्यवाद, हमारे प्रवीण शास्त्री जी को, हमारे रितेश बाबा को, जो भी इस मंच पे हैं, जो इस कार्यक्रम के लिए अपना वक्त दिया है, मैं सबको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ का, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ हम आए ही नहीं हैं, शायद हमारे आने से इन बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा और अगले साल जब हम आएंगे तो शायद इससे भी ज़्यादा संख्या होगी चेक बांटने की। टीचर क्या कहना? बस मैं सारे टीचरों को दिल से धन्यवाद कि आप नहीं होते तो शायद आज हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो मैं दो शब्द बोल पाता हूँ, आज उन्हीं के बदौलत बोल पाता हूँ, चाहे वो जहाँ से भी हो। तो मैं हर उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे दो शब्द ही क्यों ना सिखाया हो। कहा लगी हमनी को कहले लड़का रहनी साज लड़कन के संबोधित करत नहीं जा, तो एक दिन तक होकर यहाँ से हमने कह यह चाहब जो हमनी के जगह पर खड़ा हो जा सब।